हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। एंड आज है भाई दूज, सो हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ़ यू। एंड मैं जा रही हूँ भाई को मतलब टीका करने, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं, माँ पापा जा रहे हैं और इनको कुछ काम था तो इनको जाना पड़ा ऑफिस, तो ये तो नहीं है। तो मैं हम तीनों लोग जा रहे हैं। एंड घर पे मम्मी पापा और भाई, भाई वो भी ऑफिस गया हुआ है, बट मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसका। जब वो आएगा तब मैं उसको मतलब टीका वगैरह करूँगी। तब तक जाने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से, तो फिर हम लोग बस 10-15 मिनट में निकलने वाले हैं। एंड आप लोग मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा मैं ना आप लोगों को एक बहुत अच्छा हैक बताऊंगी, जैसे कि जो लाइनर होता है, अब जिसके पास ये ग्रीन लाइनर नहीं है, मैंने देखो अंदर मरून लाइनर भी लगाया हुआ है। जिन लोगों के पास मतलब ये ग्रीन या फिर कलरफुल लाइनर्स नहीं है, अगर उनको लगाने का मन है, तो मैं उनके लिए वो हैक लेके आई हूँ। ये जो मतलब मैंने ग्रीन और मरून जो लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो जो मरून वाला है, कोई भी आपके पास जो आई शेडो होगा उससे, जो ब्रश जो लगाते हैं जिससे हम उस ब्रश पे मतलब, या तो मैंने तो टोनर यूज़ किया था, उसको डाल के अच्छे से वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। एंड देन जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो उस ब्रश पे ले लीजिए और अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। तो प्रॉपर ये तो मेरे पास है ग्रीन लाइनर, तो बट मेरे पास मरून नहीं था, मैंने सोचा ग्रीन एंड मरून का बहुत ही प्यारा कॉम्बो आता है। मैंने इस पर अप्लाई किया है और आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और आप मेरा टैटू देखो, और अब तो ये काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब अब तो दर्द भी नहीं होता। जो ये हार्ट था ना, वो मैंने आप लोगों को बताया भी था, काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था, और अब जाके ये थोड़ा सा शेप में आया है। और बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो गया था, मतलब थोड़ा होता था ना ऐसे खुंट हो गया था, बट बहुत टाइम बाद ये जाके सही हुआ है। फाइनली आई एम सो हैप्पी कि ये प्रॉपरली ठीक ठाक हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं जा रही हूँ अब। सबसे पहले कुछ स्वीट्स वगैरह लेना था, तो हम लोग शॉप पे आए थे। एंड यहाँ पे तो बहुत ही सही सही चीज़ें मिल रही थी, हम लोगों ने कुछ पिक किया है यहाँ से। उसके बाद मैं निकल गई थी एंड मैं पापा को बोल रही थी, मतलब मुझे भी थोड़ी ड्राइव करनी है। फाइनली पापा ने मतलब दे दी थी मुझे, और थोड़ा सा मैंने ड्राइव भी किया तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब फैमिली के साथ ड्राइव करो तो अच्छा लगता है। और हालांकि मैं इनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि ये नहीं थे उस टाइम पे, और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ये होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी घर जाने के लिए। पापा का ना ड्रीम था कि मतलब मैं ड्राइव करके लेके जाऊं और मतलब वो साइड में बैठे हों। फाइनली मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब वो लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं उन चीज़ों को करती हूँ जब, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और मैं फाइनली मतलब घर पहुँचने वाली थी, यहाँ मैं पहुँच गई थी घर। मैं आ गई थी घर एंड मम्मी ने बहुत प्यारे से बनाया। यहाँ मम्मी ने गोवर्धन और ये रंगोली बनाई थी भाई ने, क्योंकि और कोई होता नहीं है तो भाई ने बनाई थी। आप लोग फिर से मिल सकते हैं मेरी माँ से, और मैं आपको पहले भी मिला चुकी हूँ कई बार। और यहाँ पे मैं मम्मी से बातें कर रही थी, मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह, आंटी लोग काफ़ी अच्छे से मिलते हैं, तो मैं बस वही पूछ रही थी यहाँ पर मम्मी से। आपको हैप्पी दिवाली ऑल्सो, क्योंकि ये दिवाली के गिफ्ट्स होते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं भाई का वेट कर रही थी कि वो पता नहीं कितनी देर में आएगा। यहाँ पे एक फ्रेम में मैं सबको ले रही थी, दोनों पापा दोनों मम्मी, और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब यार सब लोग साथ में होते हैं ना तो काफ़ी अच्छा, मतलब दोनों फैमिली जब साथ में होती हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब माहौल होता है। और आई विश कि बहुत अच्छे से सब लोग ऐसे ही रहें। और यहाँ पे मैंने पूजा की थाली अपनी तैयार कर ली थी एंड कुशाग्र आने वाला था, तो मैंने पहले से तैयार करके रख ली थी अपनी जो तैयार उसकी, मतलब जो होते हैं ना पूजा की थाली। फाइनली कुशाग्र आ गया था और अब मैं करूँगी इसका टीका। काफ़ी देर इसने वेट कराया बट फाइनली ये आ गया था। अब आप देख सकते हैं सिंपली टीका करना है और भाई के लिए कुछ अच्छी अच्छी विचेस देनी है, तो मैं बस वही सब कर रही थी यहाँ पे।
सो मम्मी ने इतना प्यारा सा चौक बनाया हुआ था एंड चौक पे बैठ के ही मेरे यहाँ मतलब पूजा होती है। सो कुशाग बैठ गया था एंड देन मैं अब जा रही थी उसको टीका करने, और आप देख सकते हैं। सो आप लोग मुझे मेरा जो सूट है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा। ये मुझे मम्मी ने ना उस पर गिफ्ट किया था करवा चौथ पे, जो सरगी देते हैं ना उस टाइम पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। सो मैंने सोचा कि ये तो सबसे बेस्ट टाइम है मतलब पहनने का, तो फिर मैंने पहना था एंड मेरा फेवरेट है अभी तो। इतना प्यारा कलर है ना इसका, और ऊपर से जो इसका पूरा वर्क हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर मम्मी कुछ आपको पैसे दे के गई थी कि मुझे देने के लिए, और क्योंकि वही है ना वो लेट आया था तो उसने कुछ भी ऐसे नहीं कर पाया था। हेलो करे हाँ इतना छोटा सा दिला भी रहा है। चलो मेरे पैर छू लो, दे दो पहले तीन पहले रख जाओ से रखने। शादी से पहले ना ये बिल्कुल पैर नहीं छूता था, पापा ही काफ़ी मतलब डांट के पैर छुलवाते थे, तो बस यही सब बोल रहा था। मैंने कहा अब कैसे एकदम से, तो कह रहा है बस टाइम के अकॉर्डिंगली चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, मतलब सारे लोग थे और यही नहीं थे, तो थोड़ा सा ऐसे टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा मिस करती हूँ। सो बहुत ही अच्छे से मतलब हमने अपना जो फेस्टिवल था वो मनाया। सो फाइनली हमने अच्छे से मतलब भाई दूज को सेलिब्रेट किया, और अब मम्मी पापा को मतलब ड्राइव करने में पापा को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग थोड़ा टाइम लिए, अब हम लोग जा रहे हैं। मैं मिलाती हूँ एक बार कुशाग से भी। कुशाग क्या कर रहे हो तुम? सो यहाँ कुशाग कह रहा था कि मैं तुम्हें साथ मतलब छोड़ के आता हूँ, मतलब जो मेरे गोल चक्कर हैं वहाँ तक, क्योंकि मैं और पापा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने गोल चक्कर होते हैं ना ग्रेटर नोएडा में, इतने ज़्यादा हैं, सारे सेम एक जैसे रोड दिखते हैं। तो वो यहाँ तक मुझे छोड़ने आ गया था, मेन जो गोल चक्कर है जिससे मतलब हमें टर्न लेना था। सो अब मैं पापा मम्मी निकल गए थे। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड घर पे पहुँचते पहुँचते थोड़ी रात भी हो गई थी। सो मैं आ गई थी घर वापस एंड अभी टाइम हो रहा है 7:00, और क्योंकि पापा रात को ड्राइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना उनको, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा टाइमली आ गए थे एंड अब मैं पढ़ने बैठी हूँ। सो बहुत सारा असाइनमेंट्स और काम मिला हुआ है, तो अब मैं वो करूँगी बैठ के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अब मैं अपना काम लेके बैठी हूँ, तो थोड़ा देर वो सब चीज़ें करूँगी, और बस मैं यहाँ पर ही अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।